हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मीना यादव ब्लॉग्स में। और देखिए, मैं उठ के फ्रेश अप हो गई हूँ और थोड़ा आई हूँ बाहर। अपनी मॉर्निंग रूटीन आज शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं बाहर का थोड़ा सीन दिखा रही हूँ आपकी। तो मैं अपने बालकनी में आई हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह अभी 6:15 बज रही थी। तो देखिए कितना धुआँ हो रखी है, कितनी फोक है, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी आज दिन है सोमवार। तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, बताती हूँ आपको। चलिए चलते हैं। तो देखिए 6:15 बज रही थी, अभी 6 बजने वाली है। और सबसे पहले मुझे भजन सुनने की आदत है, तो आज दिन ही सोमवार, तो इसलिए मैं भोलेनाथ के भजन लगाऊंगी और लगा के रख दूंगी। लगा के रख दिए। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब थोड़ा सा पहले पानी चढ़ा देती हूँ, गर्म पानी पीऊँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं रोज़ पीती हूँ। अब इधर नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो पहले आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। आलू का स्टफिंग तैयार करूँगी और ब्रेड में लगा के उसको सैंडविच बनाऊँगी। और बच्चे के आज से स्कूल शुरू हो गए हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी 1 हफ्ते के, तो आज मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है तो वो स्कूल जाएगी। अब मेरे दोनों बच्चे के ऑनलाइन होगी घर पर ही, तो ठंड ज़्यादा है इसके वजह से ऑनलाइन कर दिया है टीचर। और आलू धो रही हूँ मैं, आलू चढ़ा दूँगी। तब तक आलू हो जाएगी, तब तक मैं पानी पीऊँगी। देखिए आलू चढ़ा दिए, तब तक पानी हो जाएगी तो मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो देखिए अब मैं पानी पीऊँगी और मेरी बड़ी वाली बेटी उठ गई है मेरे साथ साथ, क्योंकि वो सूट कर रही है, तो उठ के अपना वो बेड उठ ठीक कर लेती है। और मैं यहाँ आ गई हूँ, पानी पीऊँगी, थोड़ा से हीटर भी चला लूँगी। ये वाली हीटर मैं यही रखती हूँ, क्योंकि कोई बैठता है तो चला लेते हैं तब तक। और इस तरफ कपड़े देख रहे हैं आप, छत पर से कल लाई थी तो बाकी के सूख गया, और पैंटे थी इसने थोड़ा थोड़ा गीला ही था, तो मैं यहाँ सोफे पर रख दिया कि हीटर उटर चलता है तो गर्माहट से सूख जाता है। अभी सूख गया है तो ये जाएगी प्रेस में, तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी प्रेस के लिए। देखिए मैं प्रेस के लिए रख दिया हूँ, इसको रख दूँगी। और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में। मैं काटूँगी 2 प्याज और वो धनिया, और प्याज धनिया काट के इसको स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तब तक इस तरह आलू भी हो जाएगी। अब उसके बाद ये तैयार करके फिर बच्चों को उठाऊँगी। तो देखिए आलू बॉईल हो गई है। आलू को स्टफिंग की रेसिपी मैं शॉर्ट पे डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप देखिए मैं उठाने आ गई हूँ बच्चों के, बड़ी बेटी उठ के मैं देखिए बेड उठ ठीक कर लेती है, तो ये अपना कर लेती है ठीक। और इस पे मेरा बेटा सोता नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोता है, बनाने के लिए तो बेड बनवा दिया है। अब देखिए मैं बच्चे के लिए, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 महीने ही हुआ है, मैं बेड बनवाई थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे मुझे चाहिए चाहिए, तो देखने गई थी तो ये अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो मैं ऑर्डर देके खुद से बनवाई हूँ, खुद डिजाइन करवा के। तो देखिए अब इधर सोता है मेरा बेटा मेरे साथ, तो मैं इसको भी उठा देती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरे बड़ी बेटी जाएगी पहले और ये सब का थोड़ा उसके बाद है। तो अब मैं किचन में आई हूँ, तो देखिए मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए टोस्ट बना रही हूँ, तब तक वो रेडी हो जाएगी। आप तो मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तब तक वो रेडी हो जाएगी। अब मैं अपने बच्चे के नाम तो बताया ही नहीं आप सभी को, तो देखिए मैं नाम बता देती हूँ। मेरी बड़ी बेटी के नाम है चंचल, वो सूट कर रही है, वो देखिए वो सूट कर रही। मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, टोस्ट बना देती हूँ और खा के ही जाएंगे, 12 बजे तक आ जाएगी वो खाली पेपर दे के। तो इसके लिए मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तब तक वो जाके अब रेडी हो जाएगी। तो देखिए वो कपड़ा पहन ली थी, तो मैं आके थोड़ा इसके बाल उल सवार देती हूँ, क्योंकि वैसे तो खुद बना लेती है और स्कूल के लिए मैं ही बनाती हूँ। और जाने से पहले, ये है मेरी बड़ी बेटी देखिए चंचल, इसके नाम है चंचल। और जाने से पहले मैं बोलती हूँ कि पूजा वूजा कर लो। देखिए जा रही है बड़ी बेटी, चली गई है। अब मैं तैयार करूँगी अपने ये दोनों के। देखिए तो ये मेरा बेटा है, इसका नाम है आरव। तो इस ये सब के लिए, और ये सब के ऑनलाइन है तो तैयार करके बैठा दूँगी। और ये मेरी छोटी बेटी है, इसकी नाम है निधि, लेकिन पैर से हम सब इसको नोनू बुलाते हैं।
इसके भी बाल बना के और तैयार कर दूंगी। तब तक बच्चे लैपटॉप वैपटॉप निकाल के अपने देख रहे हैं चल रहा है या नहीं, चार्ज है कि नहीं, वही सब चेक कर लेगा। तब तक मैं बाल बांध दूंगी, उसके बाद ये इन लोगों के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। तो बाल उल बना दिए है बच्चे के, तब तक अपना तैयार हो जाएगी ये सब देख के चेक करके। अब देखिए मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि इनको भी खिला उला के बैठाना है। एक बार खिला के बैठा देती हूँ तो बीच में फिर खाना दे दो बोलते रहते, तो मैं साथ में खिला उला के बैठाती हूँ अच्छे से रेडी करके। और ऑनलाइन है तभी भी मैं प्रॉपर रेडी होने के लिए बोलती हूँ। अब प्रॉपर रेडी करवा के फिर बैठाती हूँ ऑनलाइन के लिए, ऐसे नहीं बैठाती हूँ कि उठ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे की अच्छी आदत हमेशा डालना चाहिए, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही आलस आता है फिर ऐसे बैठ जाता है। ये देखिए मेरा बेटा खाने के लिए आगे पीछे कर रहा है कि मैं खाओ। तब तक बच्चों लैपटॉप टॉप चेक कर लिए है, करके रख दिए हैं, अब देखिए कर लिए है। और इनकी भी आदत यही है कि तैयार होकर पहले आता है, माथा उथा टेक लेते हैं, दोनों बच्चे कर लिए हैं। अब उसके बाद नाश्ता करेंगे और क्लास बस शुरू होने वाली है, हो ही चुकी थी तो मैंने कहा था चलो कोई नहीं पहले नाश्ता कर लो। तो नाश्ता वास्ता करके बैठ गई है देखिए बैठने के लिए, और अभी तो क्लास चलेगी 3-4 घंटे आराम से, लगभग 1 बजे तक ख़त्म होगी। तब तक अपना पढ़ते रहेंगे और मैं बैठूंगी थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ, उसके बाद मैं अपना काम करने चली जाऊंगी। तो देखिए मैं साफ़ सफाई के लिए एक मेड रखी हूँ जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करती है, बाकी के काम मैं अपना खुद ही करती हूँ। तो देखिए सुबह सुबह मैं मंगाई थी अपने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड और बच्चे के लिए ब्राउन ब्रेड, तो बच्चे खाया है ब्राउन ब्रेड और बाकी के सामान। तो मैं चेक कर रही हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैम आया है नहीं, इधर दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं देखिए। ये देखिए मैं कपड़े लगा दी थी रात को, तो ये है वॉशिंग एरिया, तो यहाँ कपड़े लगा के और सुबह मैं सुखाती हूँ। तो जब तक आंटी बर्तन धो रही है मैं कपड़े डाल देती हूँ छत पे, कपड़े उपड़े डाल के और बेड उड बना लूँगी। तो कपड़े देखिए निकाल रही हूँ, हम 3 बच्चे हैं और मैं या मेरे हस्बैंड है, हम 5 जने हैं घर में, तो कपड़े हो ही जाते हैं इतने, तो इसलिए मैं रात को लगा देती हूँ और सुबह तक धुल जाता है, फिर सुबह सुखाती हूँ मैं। देखिए गई थी कपड़े लेके तो थोड़ा मौसम ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा तब तक बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर कपड़े डाल के तब नहाऊंगी, तो कपड़े ऐसे ही रख के आ गई हूँ। तब तक बेड उड बना लेती हूँ, देखिए बेड बना रही हूँ, बेड बना के और डस्टिंग कर लूँगी, और उधर बच्चे पढ़ेगा तब तक, आंटी के बर्तन हो जाएगी फिर वो झाड़ू पोछा करेगी, इससे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो देखिए बेड उड बना के डस्टिंग करके फिर कपड़े छत पे सुखा के उसके बाद मैं नहाऊंगी। अब साथ के साथ मैं डस्टिंग भी कर लूँगी, देखिए इधर भी साफ़ सफाई करके और शीशा भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। अब मैं देखिए छत पे आ गई हूँ, कपड़े डाल देती हूँ, अब कपड़े सुखा के उसके बाद नहाने जाऊंगी। और मैं अपने हस्बैंड के लिए मुझे टिफ़न उपन नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि वो सुबह नाश्ता खा के जाते हैं तो टिफ़न लेके नहीं जाता है, तो मुझे टिफ़न का टेंशन नहीं होता है। और सोमवार की इनकी थोड़ा लेट जाते हैं, छुट्टी होती है, तो मुझे नहीं इनके लिए टिफ़न का टेंशन होता है यानी जल्दी जाने की, और आज घर पर ही रहेंगे, 3-4 बजे के पास जाएगी। तो मैं देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।